नेक्स्ट इज़ द फार्मूला ऑफ एलुमीनियम नाइट्राइड अब इसमें जो दो रेडिकल्स हैं वो एक होता है एलुमीनियम थ्री पॉजिटिव एक होता है नाइट्राइड राइड एन थ्री नेगेटिव तो पॉजिटिव रेडिकुल हम लेफ्ट साइड पे लिख देंगे और नेगेटिव रेडिकल को राइट right साइड पे ये रेडिकल्स लर्न करने हैं क्योंकि रेडिकल्स अगर आपको लर्न नहीं है तो आप फार्मूला नहीं लिख सकते नेक्स्ट स्टेप जो आता है वहाँ पास रिमूव द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रिमूव कर दिया एल बन गया ये एन बन गया अब रिमूव दी कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर हमारे पास थ्री है यहाँ पर भी थ्री यहाँ पर भी थ्री तो थ्री से डिवाइड कर देंगे दोनों को जैसे ही यहाँ थ्री से डिवाइड करेंगे यहाँ भी थ्री से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा एलुमिनियम वन एन वन तो दोनों वन वन रह गए अब हमने क्या करना है क्रिस क्रॉस दी वैलेंसी मतलब एलुमिनियम का जो वन है वो नाइट्रोजन के पैर में चला जाएगा नाइट्रोजन का जो वन है वो एलुमिनियम के पैर में चला जाएगा तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा ए एल वन एन वन और अगर हम वन वन हटा देंगे तो ए बन जाएगा ए एल एन विच इज़ द फॉमूला ऑफ एलोमीनियम नाइट्राइड नेक्स्ट इज़ अमोनियम फॉस्फेट अमोनियम फॉस्फेट में जो रेडिकल्स हैं हमारे पास वो एक है एन एच फोर पॉजिटिव अमोनियम रेडिकल दूसरा है फॉस्फेट पी ओ फोर थ्री नेगेटिव तो पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल को हम लेफ़्ट साइड लिख देंगे नेगेटिवली चार्ज रेडिकल को हम राइट right साइड लिखेंगे नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज रिमूव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस पॉजिटिव नेगेटिव साइन अगर रिमूव कर देंगे हमारे पास आ जाएगा एन एच फोर वन पी ओ फोर थ्री ये रह जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमने रिमूव कर दिया अब रिमूव द कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है तो ये ऐसे चल जाएगा एन एच फोर वन एंड पी ओ फोर थ्री अब फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है क्रिस क्रॉस द वैलेंसी मतलब एन एच फोर वन जो अमोनियम की वैलेंसी वन है वो फॉस्फेट के पैर में चली जाएगी और फॉस्फेट पी ओ फोर की जो वैलेंसी है थ्री वो एन एच फोर के पैर में चली जाएगी इस फोर को नहीं टच करना है क्योंकि वैलेंसी नहीं है वैलेंसी हमारे पास ये है ये जो राइट साइड पे ऊपर लिखी है तो पी ओ फोर के ऊपर हमारे पास यहाँ थ्री लिखा है ये थ्री वैलेंसी है और ये चली जाएगी अमोनियम के पैर में तो अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एन एच फोर थ्राइस एंड पी ओ फोर वनस तो जैसे हम वन को हटा देंगे हमारे पास बन जाएगा एन एच फोर थ्राइस पी ओ फोर नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्सीडेट का इसमें जो हमारे पास रेडिकल्स हैं दो एक आता है कैल्शियम टू पॉजिटिव सी ए टू पॉजिटिव एक आता है ऑक्सीलेट विजेज सी टू ओ फोर टू नेगेटिव अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को रिमूव करना है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम रिमूव करेंगे हमारे पास रह जाएगा सी ए टू यहाँ रह जाएगा सी टू ओ फोर टू यहाँ पर भी टू है यहाँ पर भी टू, और टू है टू कॉमन है सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय टू दो से डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा यहाँ रह जाएगा वन यहाँ पे भी रह जाएगा वन तो हमारे पास बन जाएगा थर्ड स्टेप में सी ए वन सी टू ओ फोर वन अब कैल्शियम की जो वैलेंसी वन है वो आ जाएगी ऑक्जिलेट के पैर में और ऑक्जिलेट की जो वैलेंसी वन है वो चली जाएगी कैल्शियम के पैर में तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा सी ए वन सी टू ओ फोर वन अगर हम वन वन हटा देंगे तो सी ए सी टू फोर ये तो था फार्मूला फार्मूला कैसे लिखते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अटोमिक मास क्या होता है तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जो भी एटम का मास होता है किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास है वो उस एटम का अटोमिक मास होता है तो अटोमिक मास इज़ मास ऑफ़ द एटम ऑफ एन एलिमेंट और अगर प्रिसाइज डेफिनेशन देखनी है तो इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ़ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन ऐटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व कि किसी भी एलिमेंट के ऐटम्स का जो एवरेज मास होता है जो कि कार्बन ट्वेल्व के ऐटम के मास से कंपेयर करने के बाद आता है उसको हम बोलते हैं अटोमिक मास ठीक है तो अटोमिक मास सिंपल सी लैंग्वेज में मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के आइटम का जो मास है वो उसका अटोमिक मास है अब ऑटोमिक मास यूनिट ऑटोमिक मास यूनिट क्या होती है सिंपल सी लैंग्वेज में ये यूनिट होती है ऑटोमिक मास की जैसे हम अगर वे करते हैं तो हम ग्राम के जी ये सब यूज़ करते हैं यहाँ पर जब हम यूनिट यूज़ करते हैं तो हम ग्राम भी यूज करते हैं कर सकते हैं नो no डाउट हम ग्राम मोल इनवर्स भी यूज़ कर सकते हैं उसके साथ एक और यूनिट है जो हम अटोमिक मास की यूज़ कर सकते हैं इट इज़ अटोमिक मास यूनिट ए एम यू या फिर यू हम इसको लिखते हैं विच मीन्स यूनिफाइड मास तो अटोमिक मास यूनिट जो है इट इज़ द यूनिट विच इज़ यूज फॉर अटोमिक मास तो जैसे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं लिखूँगी तो मैं वन एम यू लिखूंगी वन ए एम यू तो अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ वन एम यू अगर मैं ग्राम अटोमिक मास की बात करती हूँ ग्राम अटोमिक मास इसका मतलब है जो अटोमिक मास के यूनिट है मेरे पास वो क्या है वो ग्राम्स हैं सिंपल तो ग्रामिक ग्राम एटॉमिक मास जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज वन ग्राम अगर मैं हाइड्रोजन को लिख रही हूँ कि हाइड्रोजन वन ग्राम है इसका मतलब है वो वन ग्राम जो है वो उसका ग्राम एटॉमिक मास है अगर मैं वन ए एम यू लिख रही हूँ तो इसका मतलब है वो हाइड्रोजन का वन ए एम यू जो है वो हाइड्रोजन का अटोमिक मास है ठीक है और ग्राम अटोमिक मास है जब ग्राम्स में हम एक्सप्रेस करेंगे मास को उस उसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है इट इज़ द मास ऑफ़ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस जैसे एटम का मास था अटोमिक मास उसी तरह मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास और प्रिसाइज डेफिनेशन है इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ़ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एज़ कम्पेयर टू एन एटम ऑफ़ कार्बन ट्वेल्व मतलब किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो एवरेज मास होता है उसको हम बोलते हैं उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पर सिंपल सी लैंग्वेज में द मॉलिक्यूलर मास इज़ द मास ऑफ़ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस जैसे अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ तो हमने पढ़ा था वाटर मॉलिक्यूल है एच टू ओ तो एच टू ओ जो है जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है एटीन ए एम यू कहाँ से आया कैसे आया वो हम आगे करेंगे मैं बताऊँगी आपको अभी फ़िलहाल इतना ध्यान रखो मोलिकुलर मास जो है वाटर का वो 18 ए एम यू है ए एम यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट जो एटॉमिक मास के लिए यूज़ करते हैं वही मोलिकुलर मास के लिए हम यूनिट यूज़ करेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट उसी तरह अगर हम ग्राम मोलिकुलर मास की बात करेंगे तो ग्राम मोलिकुलर मास का मतलब है ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर जो आएगा वो एटीन ग्राम आएगा ए एम क्यू यू की जगह हम ग्राम वर्ड यूज़ करें ग्राम जो यूनिट है वो यूज़ करेंगे अगर सिर्फ मोलिकुलर मास है तो एटीन ए एम यू अगर हम उसको बोल रहे हैं ग्राम मोलिकुलर मास तो ये एटीन ग्राम वाटर का अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर मास अब जब भी हमने मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए हमें अटोमिक मासिस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल बनता है वो एटम से बनता है और उन एटम्स के एटॉमिक मासेस को प्लस करके जो हैं वो हम मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं तो जैसे हमने इन मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं तो हमारे पास यहाँ एटॉमिक मासेस दिए हैं हाइड्रोजन का वन एम यू दिया है कार्बन का ट्वेल्व दिया है ऑक्सीजन सिक्सटीन सोडियम ट्वेंटी थ्री क्लोरिन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एन कैल्शियम का दिया है फोर्टी एम यू तो ये अटोमिक मासज़ है एटम्स के मासिस हैं और ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर मासिस हमने कैलकुलेट करने हैं तो जो भी ऑटोमिक मासिस होते हैं वो नूमेरिकल में गिवन होते हैं तो आपने उनका मोलिकुलर मास निकालना होता है या फिर नूमेरिकल जो है आगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन का वो सॉल्व करना होता है तो मोलिकुलर मासेस अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन